हेलो स्टूडेंट लेटर स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.6 आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करेंगे इज बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमारे पास चार रिजल्ट्स आएंगे जिन्हें हम लोग इस एक्सरसाइज में एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दैट फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इनका प्रूफ भी बताएंगे दो दो लाइन के प्रूफ है द नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी द नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डी एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स इनका रिजल्ट और प्रूफ बताने से पहले यह देखिए हम लोगों को अभी तक कौन कौन से रिजल्ट मालूम थे इनसे मिलते जुलते हम लोगों को मालूम था इंटीग्रल ऑफ सेक्ल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx is equal cosec x plus c integral of cosec square x dx is equal to minus cot x plus c तो देखिए जब भी आप next phase में जाएं तो पुराना जो result है उन्हें एक बार recall कर लीजिए otherwise ये सब बहुत confuse करता है अगर इनको करने से पहले एक बार आप इनको देख लेंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब हम कौन से फॉर्मूले कर रहे हैं और पहले हम लोगों ने कौन से किए हुए हैं तो अब अगर हम लोग इनकी बात करें तो इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स बहुत सिंपल है मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से डेवलप हुआ और बहुत ईजी है इसको हम लोग माइनस लॉग मॉडल कॉस एक्स प्लस सी भी या लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग मॉडल एक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ कॉटेक्स इज लॉग मॉडल साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स दिस इज लॉग मॉडलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी और इसमें थोड़ी सी टिग्नोमेट्री अगर हम लोग लगा दें तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स को वी कैन राइट टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू तो। प्लस सम सी इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ कॉसिक एक्स इज लॉग ऑफ मॉडल और लॉग ऑफ मॉडल टेन एक्स बाई टू प्लस सी तो अब हमारे पास ये चार रिजल्ट ये चार रिजल्ट हमारे यूज होने हैं इस एक्सरसाइज में तो पहले हम इन रिजल्ट्स का प्रूफ बताएंगे आपको ये रिजल्ट भी अपने आप में प्रूफ के लिए आ सकते हैं और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है तो चलिए अब फर्स्ट देखिए दो दो लाइन के हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन ही इसमें अप्लाई होगा इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी तो देखिए इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स को यू कैन राइट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और हमने आपको बताया था या तो आप इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दीजिए कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी तो माइनस वन अपॉन टी डी टी माइनस लॉग टी आपका रिजल्ट आ गया या फिर हमने जो एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर में आपको बताया था कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स अगर ये फॉर्म है मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये हो जाता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी एक्सरसाइज 8.4 में ये रिजल्ट हमने बहुत यूज किया तो मैंने जैसे आपको बताया था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही ये रिजल्ट डेवलप हुए तो यहां पे क्या है देखिए कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस से हमने यहां माइनस कर दिया और बाहर माइनस कर दिया अब देखिए कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है माइनस है न्यूमिनेटर में है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड कॉस प्लस सी एक लाइन में हमारे पास रिजल्ट आ गया और इसी को हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं तो पहला रिजल्ट का प्रूफ तो ये है इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स अब साइन एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है साइन एक्स जो कि डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये सीधा सीधा हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी या फिर आप इसे करना चाहें तो जैसे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन पूरा करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी कॉस एक्स डी इज इक्वल टू और ये इंटीग्रल हो जाएगा वन अपॉन टी एंड दिस इज लॉग टी प्लस एंड लॉग ऑफ मॉडलस साइन एक्स प्लस तो देखिए अब आप या तो ये स्टेप करिए और या फिर एक लाइन में इसका आंसर रख दीजिए यही हम लोगों ने आपको एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 में भी बताया था तो थर्ड है आपके पास इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स डीएक्स अब इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स को करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सेकेक्स का भी और कॉसेक एक्स में दोनों में थोड़ा ध्यान रखना है सेक एक्स के लिए क्या करते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x plus 10 x. इससे फायदा ये हुआ कि आपके पास ये जो सेक एक्स है इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा सेक एक्स टेन एक्स और जब टेन एक्स को करेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स तो मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है मींस ये सीधा सीधा आपको रिजल्ट देगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और आपको डायरेक्ट लिखने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है कि मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो आप ये फॉर्म लिख दीजिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया एक लाइन में आ गया अदरवाइज करते फिर वही सेक एक्स प्लस कर दिया क्योंकि 8 8 में हमने आपको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला अप्लाई करना बता दिया था इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ कॉस एक एक्स डी एक्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस एक एक्स इसमें क्या करिए कॉसेक एक्स माइनस ये अब आपको देखिए ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कॉसिक एक्स माइनस कॉटेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स में हुआ कि कॉसिक एक्स माइनस कॉटेक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉसेक एक्स को करेंगे तो मिलेगा कॉसेक एक्स कॉटेक्स मीन कॉसेक एक्स कॉटेक्स ये माइनस का विद नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन भी आ रहा है और कॉटेक्स को करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स तो माइनस का कॉट एक्स है यहां पे तो प्लस का स्क्वायर एक्स ये आ गया तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिरेटर में है तो मीन्स ये आपके पास आ जाएगा यहां से दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम सी और ये भी आपका इसे भी हम फॉर्म में लिख देते हैं। तो दिस इज द फोर रिजल्ट। और आपके पास जैसे इसी का एक रिजल्ट था ये प्लस एक्स टू था। वो देख लीजिए कैसे होता है सेन एक्स, एक्स की अगर हम लोग बात करें तो दिसक्स को लिखेंगे वन एक्स और इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू वन को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू अपॉन और कॉस इस कॉस एक्स को लिख दीजिए कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बायू दिस इज इक्वल टू ये तो हो गया कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर और ये हो गया आपके पास कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू एंड कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इससे ये टर्म कैंसिल और ये आ गया आपके पास दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू इसमें से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉस एक्स बाय टू कॉमन ले लीजिए तो वो कैंसिल भी हो जाएगा और ये होगा वन प्लस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू इज टेन एक्स बाय टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाय टू इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके और इसमें पाए बाय फोर टेन पाए बाय फोर इज वन तो वन को लिख सकते हैं टेन पाए बाय फोर प्लस टेन एक्स टू अपॉन वन माइनस इधर टेन पाई बाय फोर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेन एक्स बाय टू एंड दिस इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई बायू तो दिस इज सेक्स प्लस टेन एक्स तो इस रिजल्ट में आप सेकेक्स प्लस टेन एक्स की जगह किस रिजल्ट में इस रिजल्ट में इस रिजल्ट में सेकैक्स प्लस टेन एक्स की जगह आप

ये फॉर्म आती है सबसे स्टार्टिंग की सेकंड एक्सरसाइज थी तो ये होता है f ऑफ ए एक्स प्लस बी मीन इसका जो एफ एक्स का डेरिव एफ एक्स का इंटीग्रल अगर कैपिटल एफ एक्स है तो एफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल भी सेम f ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाता है सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि डिनोमिनेटर में a आ जाता है यानी कि अगर x की जगह ए एक्स है तो सेम वही फॉर्मूले अप्लाई होते हैं जो हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले हैं सिर्फ डिनोमिनेटर में एक्स का कॉफिसेंट आ जाता है तो ये टेन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस माइनस लॉग लॉग तो 2 3 का होगा एंड द ओनली डिफरेंस इज कि जो टू माइनस थ्री एक्स में एक्स का जो कॉफिसेंट है माइनस थ्री वो यहां पर आ जाएगा तो प्लस वन अपॉइंट थ्री हो जाएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट सी इसी तरह से इसका ये तो फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ सेवन एक्स माइनस फोर में x का कॉन्फिस्टेंट सेवन वो डिनोमिनेटर में वन 7 सेवन प्लस सम कॉन्स्टेंट दिस इज अवर आंसर एक एक लाइन के चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखे तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू टेन एक्स इसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है टेन टू एक्स का इज टू टेन एक्स अपॉन देखिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूं जब आप किसी फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं तो उससे मिलते जुलते फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वही हमें कंफ्यूज करते हैं तो टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स और एक हमने आपको साइन टू एक्स का बताया था साइन टू एक्स का एक्स की फॉर्म में तो साइन की फॉर्म में तो टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है ये तो सबको ही रट चुका है और एक हमारे पास ये कम यूज होता है इसलिए हम लोग बार बार माइंड से स्लिप कर जाता है तो साइन तो टू तो इसलिए कंफ्यूज करता है तो यहां पे अगर आप ध्यान दें इसको इंटीग्रल ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू टेन एक्स टू टेन एक्स डी एक्स तो टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो साइन टू एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन टू एक्स डी एक्स एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ कॉसेक टू एक्स डी एक्स अब कॉसेक का हमें रिजल्ट मालूम है एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉडल कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और एक्स की जगह टू एक्स है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है तो एक्स का कॉन्फिशेंट टू डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू प्लस सम कॉन्स्टेंसी दिस इज अवर आंसर तो कितना एक एक लाइन का क्वेश्चन है ये इसी तरह से पार्ट जो है इसका ये भी अब आप आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अब इसमें टू से आप इधर न्यूमिरेटर में टू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू इंटीग्रल वन अपॉन टू साइन एक्स कॉस एक्सेज साइन टू एक्स और वन अपॉन साइन टू इज कॉसिक टू एक्स एंड दिस इज टू और कॉसेक टू एक्स का लॉग मॉडल कॉसेक टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स और फिर टू एक्स का टू डिनोमिनेटर में वन अपॉन टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी टू से टू कैंसिल लॉग ऑफ cosec मॉडल cosec टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स प्लस सी दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स तो अभी तक तो हमने मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया आप क्या करते हैं इसे मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लेके आते हैं या टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लेके आते हैं, फिर कोशिश करते कि साइन एक्स को टी माने या किसको टी माने पर यहां देखिए ये कितनी इजीली हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इज कॉसेक एक्स जब हमें कॉसक एक्स का फॉर्मूला पता चल चुका है माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स का तो हमें बेसिक फॉर्मूला पहले से ही पता है और इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स लॉग मॉडल कॉट एक्स और माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मीनस प्लस कॉस एक्स सी एक यहां पे टू रह गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स ये टू साइन एक्स ये आपके पास आ जाएगा टू कॉस एक्स दिस इज अवर आंसर इसी तरह से सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स अपॉन साइन फोर एक्स वी कैन राइट साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स कॉस टू एक्स dx। देखिए इन रिजल्ट से हम लोगों के क्वेश्चन कितने इजी हो गए अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ सेक टू एक्स डी एक्स एंड वन अपॉइन टू सेक टू एक्स का लॉग ऑफ मॉडुलस सेक टू एक्स प्लस कॉट टू एक्स और फिर टू एक्स का टू डिनोमिनेटर में मीन्स ये आपके पास हो जाएगा वन अपॉन फोर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वैसे तो इसमें देखिए डायरेक्ट हिंट भी दी हुई है पर एग्जाम्स में हमें ये हिंट तो दी नहीं होगी तो वहां पे हम इसे कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कैसे हमारे माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन को हमें इस तरह से प्रोसीड करना है अब देखिए इसमें आप x- माइनस एल्फा डी अब इसमें अगर आप साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एल्फा माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा और यहां पे है आपके पास साइन एक्स अब आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे जबकि अगर ये टर्म ऊपर होती और ये टर्म नीचे होती तब ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता कि दिस अपॉन साइन एक्स हो जाता और एक्स अपॉन साइन एक्स ये कैंसिल अल्फा तो कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपके पास कॉटेक्स और कॉटेक्स का आपको इंटीग्रल अब मालूम है साइन अल्फा आपके पास टर्म है तो मीन्स हमारे पास क्या टारगेट है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है इसको इसका रेसिप्रोकल इसका करना है तो वो कैसे कर सकते हैं उसके दो मेथड हैं एक मेथड तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से है कि यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं एक्स माइनस एल्फाइज टू टी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें कुछ इस तरह का था कि अंडरवुड ऑफ x प्लस फोर एक्स डी लास्ट लेक्चर में किए थे तो हमने आपको से हो तो जाता है इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रल हमें मालूम है अभी इसकी मल्टीप्लाई इससे अंदर करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा ये फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क् नहीं मालूम तो हम लोगों ने क्या किया था एक्स प्लस प्लस फोर इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया था तो सेम इसी तरह से यहां पे अगर हम लोग x माइनस एल्फाइज टू टी एज कर लेकिन टू डी हो जाए तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा साइन x की जगह हो जाएगा आपके पास t प्लस एल्फा अपॉन साइन x माइनस एल्फा इज साइन टी डी अब ये क्वेश्चन इजिली हो गया कि दिस इज साइन एक्स दिस इज इक्वल टू साइन टी अपॉन साइन टी तो कैंसिल इंटीग्रल ऑफ कॉस एल्फा प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी इज कॉट टी साइन एल्फा डी टी तो कई बार हमें जो हिंट दी होती है वो कंफ्यूज कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है जो हम लोगों को मालूम होता है हम उसको भी अप्लाई नहीं कर पाते तो ये तो इन्होंने एक मेथड दिया था हम लोगों ने इसमें दूसरा मेथड अप्लाई कर दिया हालांकि इससे भी करवा देंगे आपको तो ये हो जाएगा कॉस एल्फा तो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल ऑफ वन टी एस टी तो टी कॉस एल्फा प्लस प्लस साइन एल्फा हमने यहां पर लिख लिया और कॉट टी का हो जाएगा लॉग मॉडल साइन टी प्लस सम सी अब टी की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं टी इज एक्स माइनस एल्फा तो एक्स माइनस एल्फाफा प्लस साइन एल्फाग मॉडल एक्स माइनस एल्फा प्लस सम सी दिस इज अवर आंसर तो अब देखिए यहां पे आपके पास जो आंसर होगा उसमें थोड़ा सा यहां पे मिसमैच हो सकता है वहां पे x cos एल्फा दिया होगा तो ये जो अल्फा कॉस अल्फा वाली टर्म है ये एक्स्ट्रा है तो अल्फा अल्फा चूंकि कांस्टेंट है तो C कि अगर आपके आंसर में और बुक के आंसर में सिर्फ कॉन्स्टेंट का सिर्फ कॉन्स्टेंट का डिफरेंस आ रहा है और अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो वो क्वेश्चन आंसर सही माना जाएगा तो ये तो हो गया हमारे पास इस मेथड से अब सेकेंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हो जाएगा एक्स प्लस एल्फा को हम लोग टी एज्यूम कर लेंगे तो एक्स प्लस एल्फा को टी एज्यूम करते साथ ही टी हो जाएगा ये t हो जाएगा जो हमारा टारगेट था फुलफिल हो जाएगा बट जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा है या एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है तो यहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो इन्होंने हिंट दी है उसको अगर हम लोग अप्लाई करें तो उससे भी सेम है तो हम लोग इसे उस मेथड से करते हैं अब नेक्स्ट मेथड से तो देखिए इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं कि वी कैन राइट दिस एक्स इस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा प्लस एल्फा इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा ध्यान क्या रखना है किस तरह से बनाना है कि इस x को हमें इस तरह से बनाना है कि x माइनस एल्फा आ जाए तो जो भी चीज हम प्लस माइनस करेंगे अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस भी कर देंगे तो अब हमारे पास क्या होगा ये टर्म तो हो गई x माइनस एल्फा और ये हो गई हमारे पास एल्फा अब ये साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई कर देंगे मींस जो हम लोगों ने प्रीवियस मेथड में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया था यहां पे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई ना करके हम लोगों ने एक ट्रिक अप्लाई कर दी और ये हो गया हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन ऑफ x माइनस और dx एंड दिस इज इक्वल टू इस टर्म से ये टर्म कैंसिल दिस अपॉन दिस करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस एल्फा एल्फापन साइन एक्स माइनस एल्फा एल्फाइजेंट है तो कॉस एल्फा फर्स्ट कॉस एल्फा दो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स इज एक्स प्लस साइन एल्फा और कॉट एक्स माइनस एल्फा का लॉग ऑफ बॉन्डल साइन एक्स माइनस एल्फाइन और x का वन ये प्लस बी है x का वन डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस सम सी दिस इज आंसर तो मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन अप्लाई करना चाहे मेथड ऑफ सब्सिट्यूशन अप्लाई कर दीजिए ये अप्लाई करना चाहे ये अप्लाई कर दीजिए इसको अप्लाई करके फायदा ये है कि अगर एक बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गए कि इस तरह से करने तो आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वो भी बहुत ईजिली हो जाएगा इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है कि ये भी इसी तरह से होगा इस x को x प्लस एल्फा बना दीजिए x प्लस एल्फा और ये माइनस एल्फा अपॉन कॉस x प्लस एल्फा डीएक्स अब इसे एज इट इज सॉल्व कर दीजिए इंटीग्रल ऑफ कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एल्फा डी एक्स अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो कॉस एक्स प्लस एल्फा से कॉस एक्स प्लस एल्फा कैंसिल कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स प्लस एल्फापन कॉस एक्स प्लस एल्फाइज एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन एल्फा डी एक्स कॉस एल्फा तो कॉन्स्टेंट है ये आ गया और वन का एक्स प्लस साइन एल्फा कॉन्स्टेंट है टेन एक्स प्लस एल्फा का माइनस माइनस लॉग मॉडलस कॉस एक्स प्लस एल्फा और एक्स प्लस एल्फा का वन डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस सम सी दिस इज अवर आंसर तो देखिए दो तीन लाइन में हमारे पास रिजल्ट आ गया तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए यहां पे एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा है हालांकि हिंट इन्होंने दी हुई है तो इसी हिंट के ऊपर ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बट मैंने आपको कोरिलेट भी करा दिया कि फोर्थ से कैसे कोरिलेट होगा अब अपॉन में आपके पास ये साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस बीटा है तो हमें क्या करना है देखिए यहां पे हम लोग वन है हमारे पास तो इसको हम वन को इस तरह से लिखें कि हमारे पास ये दोनों टर्म भी एडजस्ट हो जाए तो कैसे लिख सकते हैं सपोज हम लोग यहां पे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर सकते हैं वेरिएबल से तो नहीं कर सकते यहां पे एक्स से मल्टीप्लाई और यहां पर एक्स से बाहर किया ये तो नहीं कर सकते अगर एक्स से यहां पर किया तो एक्स से यहां करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अब वो देखिए कि इसको अगर हम लोग लिखें साइन एल्फा माइनस साइन एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा साइन एल्फा कांस्टेंट है तो मीन साइन एल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए और बीटा भी है तो बीटा और लिख दीजिए माइनस बीटा और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और ये आ गया देखिए अब इसका जो एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस बीटा ये है आपके पास बेसिकली जिसे आपने एक्स माइनस एल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा लिखा है एक्स एक्स कैंसिल बीटा माइनस एल्फा है मीन्स आपने साइन ऑफ बीटा माइनस एल्फा इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करी तो डिनोमिनेटर में भी करनी पड़ेगी साइन बीटा माइनस एल्फा डी बस ये स्टेप ध्यान रखना है और इसका फायदा क्या है कि ये साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस बीटा है और ये साइन एक्स माइनस वाई है तो साइन एक्स कॉस वाई तो साइन एक्स मीन्स साइन एक्स माइनस एल्फा से यह वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई अब ये साइन वाई मीन साइन एक्स माइनस बीटा से साइन एक्स माइनस बीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम इसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे यहां पे साइन लिया हमने कई जगह पे कॉस भी लेना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन देखिए हिंट तो हमें सिर्फ ये दे सकते कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है और हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल कोर्स में हिंट दिया हिंट अप्लाई करी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना तो इधर का सोचा ना उधर का सोचा तो उससे क्या होता है आगे के क्वेश्चन में हिंट तो मिल जाती है पर फिर प्रॉब्लम आती है दूसरे तरह की तो यहां पर कहते कि साइन लेना है हम कॉस भी तो ले सकते थे तो कॉस क्यों नहीं लिया आगे के क्वेश्चन में कॉस भी लेंगे कॉस इसलिए नहीं लिया कि अगर कॉस लेते तो कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई होता कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई तो जो सेकंड टर्म है वो तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाती cos x, cos y का मतलब हो जाता ऑफ़ हम लोग वहीं पे पहुंच जाते तो इसलिए हम लोगों ने साइन की टर्म यहां पे ली है यह चीज ध्यान देने वाली हिंट में देखिए यही दिया नहीं बताया तो ये बता भी नहीं सकते तो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा ये सब चीजें तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए खुद ही सोचनी है तो इंटीग्रल ऑफ दी हो जाएगा साइन एक्स माइनस एल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा साइन एक्स माइनस बीटा ऑफ डी एक्स आप देखिए इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो वन अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा इंटीग्रल ऑफ तो ये टर्म तो कैंसिल साइन एक्स माइनस एल्फा वाली टर्म तो कैंसिल और ये टर्म कॉस एक्स माइनस बीटा और अपॉन साइन एक्स माइनस बीटा यह हो जाएगी कॉट एक्स माइनस बीटा माइनस और ये टर्म कॉस एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा ये हो जाएगी कॉट एक्स माइनस एल्फा अब दोनों का इंटीग्रल हमें मालूम है डी एक्स तो दिस इज वन अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा लॉग मॉडलस ऑफ साइन दिस इज साइन एक्स माइनस बीटा माइनस लॉग मॉडलस ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस सम सी और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए वन अपॉन साइन बीटा माइनस एल्फा या यहां पे भी छोड़ सकते हैं वॉट साइन एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस सम सी दिस इज अवर आंसर तो

अपॉन ये जो टर्म है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी अब इसमें साइन लगाएं कि कॉस लगाएं ये चीज मैटर करेगी तो यहां पे हम साइन लगाएंगे क्यों साइन लगाएंगे क्योंकि साइन ए कॉस बी तो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल होगा दूसरी वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी और साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई तो कॉस एक्स साइन वाई में कॉस वाली टर्म ये वाली इससे कैंसिल होगी आगे के क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम लोग कॉस भी अप्लाई करेंगे ये चीज का ध्यान रखिए ध्यान रखते हुए तो दिस इज इक्वल टू और ये वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए देखिए यहां पे आपके पास ये है साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस कैंसिल साइन ऑफ बी माइनस तो ये आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया है तो यही डिवाइड भी करना पड़ेगा कांस्टेंट है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एंड दिस इज इक्वल टू अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दो लाइन का भी एक क्वेश्चन है थोड़ा दिखने में बड़ा जरूर है पर है बहुत इजी तो ये हो जाएगा साइन ए तो देखिए सेम वैसे ही था एंड दिस इज अवर आंसर कोई चेंज नहीं है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो चीज मैं आपको बार बार बता रहा था वही है कि इंटीग्रल ऑफ ये है आपके पास साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इसे करके भी देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है अभी हमने क्या किया था यहां पे क्या एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी एक तो ये किया और इसके पहले हम लोगों ने लगाया था देखिए यहाँ पे साइन यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो पार्ट वन था उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे साइन ही लिया था अब इसमें क्या करें इसमें साइन लें कि कॉस ये मैटर करेगा तो देखिए अगर आप साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इससे तो पहली टर्म में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी दोनों की दोनों टर्म कैंसिल वन आ जाएगा माइनस और दूसरी टर्म में आ जाएगा कॉट एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस बी तो वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि आपको साइन लगाना है कि कॉस लगाना है और अगर आप इसकी जगह कॉस लगा दें यहां पर तो क्या हो जाएगा कॉस के फॉर्मूले में यह आ जाएगा कॉस ए कॉस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी और अपॉन में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ये वाली टर्म कॉस एक्स माइनस बी वाली टर्म ये वाली टर्म इससे कैंसिल तो कॉस अपॉन साइन कॉट आ जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस ए वाली टर्म इससे कैंसिल साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी ये आपके पास टेन एक्स माइनस बी आ जाएगा प्लस में तो दोनों का आपको इंटीग्रेशन मालूम है तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है हिंट में ये सारी चीजें नहीं बताते उन्होंने तो हिंट में आपको बता दिया कि आप इसको ये एज्यूम कर लीजिए तो वो करिए थोड़ा सा डिफरेंट कॉस की जगह साइन के उनमत करिए ये नहीं बताया उन्होंने तो यहां पे आ गया कॉस दिस डी एक्स एंड दिस इज इंटीग्रल अब कर दीजिए कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए एक कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू इस टर्म्स में कॉस एक्स माइनस बी से ये टर्म कैंसिल इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस इस टर्म में सेकंड वाली में साइन एक्स साइन एक्स माइनस ए वाली टर्म कैंसिल तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी एस टेन ऑफ एक्स माइनस बी एंड दिस इज डी एक्स अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एंड कॉट ऑफ दिस इज लॉग मॉडल साइन एक्स माइनस ए प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस लॉग मॉडलस कॉस एक्स माइनस बी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी एंड दिस इज लॉग ऑफ मॉडलस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस दिस इज अवर आंसर तीन लाइन का है तो तीन स्टेप एक स्टेप दो स्टेप और तीसरा स्टेप तीन स्टेप में आंसर आ गया सिर्फ ये चीज ध्यान देनी इसी के यही एक मेन पॉइंट है ये सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है सेकेंड पार्ट में तो कोई भी चीज नहीं लगेगी सिंपल हमारे पास सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल ऑफ टेन क्यूब एक्स डी एक्स इसे तो ब्रेक कर देते हैं ये हो जाएगा टेन एक्स और ये हो जाएगा sec square x, 10, 10 square x ही कर देते हैं चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं इंटीग्रल और ये हो जाएगा सेक स्क्स वन डी एक्स अब देखिए टेन एक्स सेक स्क्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं टेन एक्स को टी एज कीजिए सेक स्क्स डी टी हो जाएगा और फॉर्मूलाएगा इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स और इसमें क्या है टेन एक्स को अगर आप टी एज्यूम करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा मीन्स ये फॉर्म हो गई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर ये fx की पावर इंटीग्रल ऑफ मैंने आपको बताया था एफ एक्स रेस टू दावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स था ये हमने एक्सरसाइज 8.4 में किया था जो लॉग वाला था एक और एक ये था तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वैसे इंटीग्री का टी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एट पॉइंट फोर में हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किए थे एंड दिस इज माइनस टेन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ तो माइनस माइनस प्लस मॉडल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेवंथ में देखिए यहां पे आपके पास इंटीग्रल ये तो है साइन 2x और ये है आपके पास साइन 5x और साइन 3x अब थोड़ा बहुत तो आप समझ भी गए होंगे तो यहाँ पे देखिए 5x 3x अगर हम यहाँ पे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें 2 साइन x साइन y का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें कॉस x माइनस वाई तो मीन्स फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स कॉस एट एक्स तो डिनोमिनेटर में कॉस टू एक्स माइनस कॉस एट एक्स आ रहा है और निमेटर में साइन टू एक्स आ रहा है तो ये तो होगा नहीं रिवर्स होता तो फिर भी कुछ सोच सकते थे तो इसमें क्या करते हैं जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ में अप्लाई किया टू एक्स को अब देखिए टू एक्स फाइव एक्स और थ्री एक्स में जो एक रिलेशन है वो है फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स की अपॉन तो ये क्वेश्चन इजी है और इंपॉर्टेंट भी है और इसमें हिंट भी देखिए अपने आप छुपी हुई है कि टू एक्स फाइव एक्स और थ्री एक्स में रिलेशन देखिए और साइन फाइव एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन फाइव एक्स साइन थ्री एक्स अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस तो पहली टर्म्स में तो साइन फाइव एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड वाली में आपके पास साइन साइन थ्री एक्स है, वाली में है sin 3x हो जाएगा. और क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन फाइव एक्सन फाइव एक्स कैंसिल कॉट फाइव एक्स डी एक्स एंड दिस एंड this is equal to integral of cot 3x is log modulus sin 3x थ्री एक्स और ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है ध्यान रखिएगा तो वन अपॉन थ्री यहां आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट फाइव एक्स इज लॉग ऑफ मॉडल कॉट फाइव एक्स और फाइव एक्स आपके पास ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है अपॉन वन अपॉन फाइव प्लस सम कॉन्स्टेंट दिस इज अवर आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या है तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो वैसे तो यहां पे अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हिंट भी क्वेश्चन में दी हुई है पर अगर हिंट ना दी होती तब क्या करते तो ये चीज स्ट्राइक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है देर आर एन नंबर ऑफ मैथड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके पास बहुत सारे मैथड मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा पर उसके लिए आपको पार्शल फ्रिक्शन वाला जो आगे की एक्सरसाइज है वो आनी चाहिए आपको तो ऐसा नहीं है कि यहां पे हिंट दे दी तो आपको सिर्फ इसी मेथड से करना है और ये मेथड अगर आपको याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्स तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स अब साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो बड़ा सिंपल है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी अगर आप एज्यूम कर लें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इसे हमने अलग अलग कर दिया प्लस वन इंट इसमें अभी हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपके पास और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखिए कॉस एक्स को अगर आप टी मान लें तो साइन एक्स डी एक्स डी टी तो ये माइनस यहां पे कर दिया माइनस यहां कर दिया अब देखिए डिनोमिनेटर का ये कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आपके पास एडजस्ट हो गया तो ये फॉर्म आ गई है आपके पास एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स तो हो गया था तो means F -X की minus 2DX, ये है आपके पास और इसका रिजल्ट हो जाएगा एफ एक्स रेस टू दावर माइनस वन अपॉन माइनस वन तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस एफ एक्स कॉस एक्स रेस टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन आप चाहे तो इसमें सब्सिट्यूशन लगा दीजिए पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये चीजें आपने एक्सरसाइज 8.4 में हमने इसीलिए ये चीज कराई थी कि आगे जब क्वेश्चन करें तो हमारे पास हमारे टाइम सेव हो जाए और प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉसिक एक्स और इंटीग्रल ऑफ कॉसिक एक्स इज लॉग ऑफ मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी एंड दिस इज वन अपॉन कॉस एक्स मीन सेक एक्स डायरेक्टली लिख देते हैं सेक एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट इसमें भी हालांकि हिंट आपको साफ दी हुई है तो इंटीग्रल ऑफ जैसे मैंने आपको बताया तो हिंट अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है नहीं तो ऐसा नहीं है कि बिना हिंट के आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स तो इंटीग्रल ऑफ और जो हिंट दिए उसे भी हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर समझ लीजिए तो देखिए साइन एक्स को अगर हम कॉस में कन्वर्ट कर ले अगर हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर ले हमने डेरिवेटिव में भी किए थे और कॉस में कैसे कन्वर्ट कर ले पाई बाई टू से चेंज करके तो पाई बाई टू प्लस एक्स कर दे तो ये ऑफ कॉस पाई बाई टू इज माइनस साइन तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और को हम एक्स वाला अप्लाई कर करने के लिए तो आपके पास क्या होगा वन से वन कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर वाली टर्म आएगी उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो लीनियर फॉर्म आ जाएगी तो एक बार मैंने जैसे आपको बताया फ्रेम जरूर बना लीजिए माइंड में तो क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर sin x को cos pi plus x and cos pi इसमें कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू की फॉर्म ही बना लेते हैं पहले तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाय टू हमने टू कॉमन ले लिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन अंडर ऑफ अब वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर एक्स पाए बाय फोर प्लस एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स वन से ये वन कैंसिल ये अंडर रूट टू है ये रूट टू बाहर आ जाएगा वन अपॉन रूट टू हो गया इंटीग्रल और कॉस स्क्वायर से अंडर रूट का साइन कैंसिल वन अपॉन कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू एंड डीएक्स एंड दिस इज वन अपॉन रूट टू इंटीग्रल ऑफ सेक पाए प्लस एक्स बायू डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ है लॉग मॉडल सेक एक्स प्लस टेन एक्स मीन्स लॉग सेक पाए बाय फोर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस टेन पाए बाय फोर प्लस एक्स बाय टू अब ध्यान क्या दीजिएगा कि एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी की फॉर्म है तो जो x का कॉफिशेंट है वो डिनोमिनेटर में आता है मीन वन अपॉइंट टू डिनोमिनेटर में आएगा तो वन अपॉइंट टू आप डिनोमिनेटर में करिए या two, two आप करिएटर में कर दीजिए एक ही बात है टू आपने यहां कर दिया तो रूट टू अपॉन टू एंड प्लसटेंसी तो ये हो जाएगा आपके पास रूट टू एंड रूट टू ऑफ लॉग दिस इज अवर आंसर तो सिंपल क्वेश्चन है जरा सा ध्यान रखना है आप इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर देखें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स में तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते साथ ही अब आपको इतना तो समझ में आ गया इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किए थे वन को लिख सकते हैं देखिए ये पूरा बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर वन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं अब आप क्लास ट्वेल्थ में डायरेक्ट आप लिखिए और इससे ये टर्म कैंसिल एंड दिस इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब आप फिर फंस गए इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी इसमें क्या करते हैं हमने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड दिस इज वन अपॉन रूट टू इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाए बाय फोर साइन एक्स प्लस साइन पाए बाय फोर कॉस इससे क्या फायदा हुआ टर्म सम की फॉर्म में थी ये एक सिंगल टर्म की फॉर्म में आ जाएगी दिस इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ साइन कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई डी एक्स एंड दिस इज वन अपॉन रूट टू और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स प्लस पाई बाय फोर और कॉस का हमें इंटीग्रल मालूम है वन अपॉन रूट टू लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सम सी दिस इज अवर आंसर तो कितना सिंपल है ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि इफ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो बहुत सिंपल है देखिए रूट टू इसे अब ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा साइन एक्स माइनस फाइव बाई फोर ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरह है कि x को वी कैन राइट रूट टू तो बाहर लिख लेते हैं x को वी कैन राइट x माइनस पाए बाय फोर प्लस पाए बाय फोर अपॉन साइन x माइनस पाए बाय फोर डी एंड दिस इज इक्वल टू रूट टू पहले हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल देते हैं फिर जो ये गिवन है दिस इज इक्वल टू दिस इसके इक्वल रख के देखेंगे फिर कंपेयर करेंगे दोनों साइड तो रूट टू ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन ए ये आपके पास ए ये आपके पास बी साइन ए प्लस बी तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन क्वल टू रूट टू इंटीग्रल अब दिस अपॉन दिस तो येगास पाई बाई फोर प्लस दिस अपॉन दिस तो कॉस एक्स पाव बाई एक्स माइनसोर अपॉन साइन एक्स माइनस पाइव बाई फोर इज कॉट ऑफ एक्स माइनस फाइव बाई फोर इंटू साइन पाई बाय फोर अब देखिए ये इंटीग्रल इजिली हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू रूट टू क्या आ जाएगा कॉस पाई बाय फोर इंटू एक्स प्लस साइन पाए बाय फोर और कॉट का हो जाएगा लॉग मॉडल पाई बाई फोर प्लस सम कॉन्स्टेंटसी कॉस पाई बाई फोर इज वन अपन रूट टू साइन पाई बाई फोर इज वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू कॉमन आ जाएगा बार और रूट टू से कैंसिल हो जाएगा यह हो जाएगा एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉडल साइन एक्स माइनस सम कांस्टेंट तो अब देखिए ये तो रिजल्ट आया ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये आ गया और गिवन राइट हैंड साइड है गिवन राइट हैंड साइड है हमारे पास ए एक्स प्लस बी लॉग ऑफ लॉग ऑफ मॉडलस लॉग ऑफ मॉडलस साइन एक्स माइनस पाई बाय फोर प्लस सम कॉन्सटेंट सी तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा x की जगह a की जगह तो आ गया वन एज इक्वल टू वन और b इज इक्वल टू वन दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस रखना है अगर कोई चीज आपके दिमाग में उस समय नहीं आ रही जो हिंट इन्होंने दी है तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन उसी मेथड से होगा देर आर एन नंबर ऑफ मेथड हम लोग पीछे भी कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अलग अलग डिफरेंट मैथड से करेंगे और उन्हीं मैथड से इनमें से भी कुछ क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे विद दैट ऑल थैंक यू